टुडे वी आर गोइंग टू टॉक डिस्कस टॉपिक मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिक्स सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। एक्चुअली में ये जो मैट्रिसेस है इसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स भी यूज करते हैं या मैट्रिसेस भी बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए अगर इसको आप पूरा ऐसे मर्ज करें तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म है, लेकिन इसको पूरा नहीं मर्ज करेंगे हम लोग, बस इस तरह से दोनों साइड से एक एंड बनाएंगे रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। यानी इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमेशा एक रेक्टेंगुलर एरे या आप एक रेक्टेंगुलर ट्रे भी कह सकते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को सेटअप करते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरीके से लिखे जाएंगे, एक एलिमेंट्स फॉर्मेट ऐसा होगा और दूसरा एलिमेंट्स का फॉर्मेट ऐसा होगा, ठीक है। ये जो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट। यानी ये जो है हमारा ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है और हॉरिजेंटली जो भी एलिमेंट्स को लिखा जाता है इसे हम लोग कहते हैं रोस, यानी ये हमारा रो है। और दूसरा जो है हमारा ये वर्टिकल फॉर्मेट, ये जो है वर्टिकली फॉर्मेट यानी ऊपर से नीचे सीधे परपेंडिकुलर। अगर वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस की भाषा में कि ये हमारा कॉलम है। यानी कोई भी जब हम एक रेक्टेंगुलर एरे बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, तो इसमें हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कितने रो में एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है और कितने कॉलम में एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है। सपोज मान लीजिए मैं कोई एक एलिमेंट बनाता हूँ, मान लीजिए इस तरह का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ हमने एलिमेंट्स लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए इस तरह से हमने चार एलिमेंट रखा हुआ है, तो इसमें कितने रो हैं, कितने ऑर्डर हैं, ये सॉरी कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, पहले हमें ये पता करना होगा। यानी जो भी चीज़ हॉरिजेंटल के वे में लिखा हुआ है, देखिए ये जो हमारा पहला लिखा हुआ है ये क्या है, एक हॉरिजेंटल के फॉर्म में है, यानी ये हमारा क्या है, रो है। तो मान लीजिए इसे हमने नाम दिया आर, ये हमारा पहला रो है। ये देखिए दूसरा एक हॉरिजेंटल के फॉर्मेट में ये सीधा सबको टच करते हुए एलिमेंट को लिखते हैं हॉरिजेंटल के फॉर्म में, यानी ये हमारा जो है वो दूसरा रो है, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आर टू है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखें यानी ऊपर से नीचे वर्टिकल फॉर्मेट में कितने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, तो देखिए ये जो है हमारा पहला वर्टिकल फॉर्मेट है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉलम वन है, पहला कॉलम है हमारा। दूसरा अगर इस एलिमेंट्स को हम देखें तो ये हमारा दूसरा वर्टिकल फॉर्मेट है, इसे हम कह सकते हैं कि ये सी टू, यानी हमारा सेकेंड कॉलम है, कॉलम टू, ठीक है। अब फाइनली अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर हम एक मैट्रिक्स का नाम दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है। यानी ऑर्डर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ये ऑर्डर हमें किस चीजों से मिलेगा, रो से और मल्टीप्लिकेशन विथ कॉलम से। यानी मान लीजिए अगर हम रो को डिनोट करते हैं तो ये एम है और कॉलम जो है वो क्या है हमारा, एन है। और ये जो हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते हैं एम क्रॉस एन जो हमने लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे कैसा, ये किस ऑर्डर का है, एम बाय एन। यानी देखिए एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए अगर हम ऑर्डर डिफाइन करें तो इसे हम लोग ऐसे नीचे में लिखते हैं, यानी यहाँ क्या है, दो रो, तो हम लोग लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड यानी बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है यहाँ, टू। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ये टू बाय टू, टू बाय टू यानी दैट मीन्स टू नंबर ऑफ रोज एंड टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी फाइनली अगर हम इसको लिख के दिखाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा ए बी सी और डी, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या है, टू बाय टू। ये जो हमारा टू है ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, और ये जो टू है हमारा ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिसेस को कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स का फॉर्म दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखे हुए हैं, टू बाई टू इसका ऑर्डर है, दैट मीन्स टू बाई टू क्या मतलब है कि दो नंबर ऑफ रोज हैं और दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये देखिए आर वन है, आर टू है, कॉलम वन कॉलम टू है। ये एलिमेंट्स के लिए देखिए बेस में कुछ लिखा हुआ है ए वन वन, दैट मीन्स ए वन वन, ये क्या है, किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं, यानी कोई भी जब हम लोग एक मैट्रिसेस को लिखेंगे तो जब बॉक्स में रखते हैं तो उस एलिमेंट्स का अपना पोजीशन क्या है, यानी ये जो वन वन है वो क्या बता रहा है, इसका अपना पोजीशन, ये किस पोजीशन पे रखा गया है। तो वन वन दैट मीन्स क्या है, पहला जो एलिमेंट हम वन लिखेंगे इस
इसका मतलब क्या है कि वो किस रो में रखा हुआ है और सेकंड वन मतलब किस कॉलम में रखा हुआ है. तो वन और वन दैट मीन्स दिस वन वन डिफाइंस दैट कि फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो एलिमेंट हमारा ए वन वन रखा गया है वो किस पोजीशन में रखा गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में. देखिए इसका ये पोजीशन देखिए, अगर यहाँ से रो वन स्टार्ट हो तो ये पहला पोजीशन है और कॉलम अगर हम स्टार्ट हो तो ये कॉलम का भी पहला पोजीशन है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दूसरा ए वन टू, अगर इस पोजीशन को हम चेक करें, ए वन टू, वन टू मतलब क्या है, पहला जो भी नंबर है वो रो है और दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, कॉलम है. दैट मीन्स इसका पोजीशन क्या असाइन करता है कि ये फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम, यानी दूसरे कॉलम में रखा गया है, पहला रो है और दूसरा कॉलम है. यानी यहाँ हम लोग एलिमेंट्स को चेक करिए, देखिए ए वन टू ये क्या है, फर्स्ट रो में ही एलिमेंट आ रहा है, बट कॉलम के केस में अगर हम देखें तो हमारा ये कॉलम वन है और ये कॉलम टू है, यानी ये दूसरे कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. इस तरह से अगर हम ए वन थ्री को, सॉरी ए वन थ्री हमने जो लिखा है ये नहीं, ए टू वन, और इसे हम लिखेंगे ए टू टू क्योंकि ये सेकेंड को सेकेंड कॉलम में है. तो ए टू वन, अगर हम ए टू वन को डिफाइन करते हैं तो ए टू वन हमारा क्या है, देखिए टू यानी पहले रो है और फिर उसके बाद कॉलम है, यानी दैट मीन्स ये क्या है हमारा, सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट का पोजीशन है, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है, दैट मीन्स ए टू वन, ए टू टू. इसी तरह से अगर सिमिलरली हम ए टू थ्री का पोजीशन देखें तो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी किसी भी वेक्टर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ये टू बाई टू का फॉर्मेट है. अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिसेस को हम थ्री बाई थ्री के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर थ्री बाई थ्री के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी अगर हम थ्री बाई थ्री का फॉर्मेट बनाते हैं, दैट मीन्स थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो उतने ही एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, यानी ये टू बाई टू का है, दैट मीन्स टू इंटू टू हाउ मच, फोर. तो देखिए अंदर में एलिमेंट्स कितने हैं, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स रखे हुए हैं, थ्री बाई थ्री, ठीक है, तीन रो तीन कॉलम, दैट मीन्स अगर मल्टीप्लीकेशन करें थ्री इंटू थ्री नाइन, दैट मीन्स इस बॉक्स में जो नंबर होंगे, जो एलिमेंट्स के नंबर होंगे वो कितने होंगे, नाइन होंगे. यानी इसका पहला पोजिशन ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया तीन एलिमेंट्स के लिए. फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि टोटल तीन कॉलम होंगे और तीन रो होंगे, इसलिए हम लोग ए तीन इसको वेरीफाई कर रहे हैं. थर्ड वन देखिए ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये क्या है हमारा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी थ्री इंटू थ्री ऑर्डर है, थ्री बाई थ्री. दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यानी जो भी ऑर्डर होंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फाइनली जो ये मैट्रिक्स है हमारा वो थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, ये है हमारा टू बाई टू का मैट्रिक्स है. यानी किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस में ये देखें कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये किस पोजीशन पर रखा हुआ है,